Thank you.
इस वस्त्रहरण की वजह कोई द्यूत नहीं था, कोई राजसत्ता भी नहीं थी, और कृष्ण कृष्ण तो द्वापर युग से ही गायब थे, इसीलिए उनका होना तो असंभव था। किसी ने पूछा नहीं क्या कसूर है द्रौपदी का, क्या उसका जन्म ही उसका कसूर था, क्या उसका होना ही उसका कसूर था। वैसे संजय तो बहुत थे इस महाभारत में, अपने दिमाग और औजारों को खास तराश कर लाए थे ताकि छूट न जाए द्रौपदी के शरीर का कोई अंग, नहीं तो करोड़ों धृतराष्ट्र उसकी काबिलियत पर शक करते। घर दीवार, महानगरों की सड़कें, गांव की गलियां, सब जगह होता रहता है द्रौपदी का वस्त्र हरण, और सबको पता है कृष्ण अब नहीं आएगा, ना ही उसे कोई बुलाएगा। द्रौपदी का वस्त्र हरण कभी उसके औरतपन के लिए, कभी उसकी जाति के लिए, कभी उसकी गरीबी के लिए होता रहेगा, जब तक धृतराष्ट्रों की यह अंधी फौज अपने घरों में बैठकर कामुकता से देखती रहेगी, तब तक होता रहेगा द्रौपदी का वस्त्र हरण। बस द्रौपदी जानती है उसकी शर्म असली है, उसका दर्द असली है, उसकी प्रताड़ना भी असली है, और सबको पता है कृष्ण अब नहीं आएगा, ना ही कोई उसे बुलाएगा। उठो द्रौपदी, ईश्वर ने तुम्हें चुना है, उठो द्रौपदी, तुम ही हो प्रकृति, उठो, तुम ही अब जनोगी पौरुष, उठो द्रौपदी, तुम ही हो पुरुष और प्रकृति, उठो उठो, जिला दो उस लव को जो जलेगी सूरज की तरह, तुम ही हो अब कृष्ण और सुदर्शन ही, उठो, तुम ही हो आरंभ और विनाश, उठो आदि शक्ति, उठो आदि चेतन, उठो द्रौपदी। I'm
ಕಾಳಿ ರಾವೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ರಾವೆ ರಣ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿ ನಿಜ ಸ್ವಾರಿ ತಾಳಿ ಮುಖಿ ತಾಡಿದರೆ ಗುರಿಂಜೋಳಿ ಕಾಳಿ ರಾವೆ ಭದ್ರ ಕಾಳಿ ರಾವೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ರಾವೆ ರಣ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿ ನಿಜ ಸ್ವಾರಿ ತಾಳಿ ಮುಖಿ ತಾಡಿದರೆ ಗುರಿಂಜೋಳಿ ಕಾಳಿ ರಾವೆ ಭದ್ರ ಕಾಳಿ ರಾವೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ರಾವೆ ರಣ ಕೇಳಿ ಕೋಟಿ ತೇಜಸ್ವಾರಿ ತಾಳಿ ಮುಖಿ ತಾಡಿ ತರಿ ಗುರಿಂಜೋಳಿ ಕಾಳಿ ರಾವೆ ಭದ್ರ ಕಾಳಿ ರಾವೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ರಾವೆ ರಣ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿ ತೇಜಸ್ವಾರಿ ತಾಳಿ ಮುಖಿ ತಾಡಿ ತರಿ ಗುರಿಂಜೋಳಿ ಕರುಳ ಸಿರಮುಲೆ ಹಾರಂ ಕರಮುಲೆ ಕಟಿವಸ್ತ್ರಂ ವಿರಿಯಧರಿಸಿನ ಗಾಳಿ ಸಿರಮುಲೆ ಹಾರಂ ಕರಮುಲೆ